तो पहली ये सूरत सूरत जुमर है, इसमें आप देखेंगे किस तकरार के साथ बात आ रही है। इनका मरकजी मजमून है तौहीद अमली। एक है तौहीद अकीदे की तौहीद, अल्लाह को एक मानना अकेला, ला जिद्दा लहू वला निद्दा लहू वला मिस्ला लहू वला मिसाल लहू वला मसील लहू, उसके जैसा कोई नहीं है, न सिफात के एतबार से, न जात में कोई उसका कुफ्र नहीं है, लम यलिद वलम यूलद, ये सब क्या ही अकीदा है। एक है अमल की तौहीद, तौहीद अमली, वो क्या है अमल की तौहीद, क्या है तौहीद फिल अमल। और जिसको कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक और बड़ी खूबसूरत इस्तिलाह इस्तेमाल की है, तौहीद फिल तलब, तौहीद फिल अकीदा, तौहीद फिल तलब। वो तलब जो हम पढ़ चुके हैं सूरह हज में, ज़ाफ़त तालिब वल मतलूब। ये तालिब व मतलूब का जो रिलेशनशिप है, हर इंसान का कोई ना कोई मतलूब है, कोई आइडियल है, कोई आदर्श है, किसी के लिए वो जी रहा है, किसी मकसद के लिए। एक इंसानों की अजीम अक्सरियत है जो हैवानी सतह पर जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनका कोई मकसद जिंदगी है ही नहीं। इंस्टिंक्ट्स, जैसे कि हैवानात हैं, पेट में भूख लगी है वो खाएगा, इधर उधर मुंह मारेगा, इसी तरीके से उसका जिंसी जज्बा, उसका एक निजाम है, उसके तहत ही होता है। उसमें जिंसी जज्बा उस तरह का भी नहीं है कि बाद इंसान जो है वो सूअर बन जाते हैं जिंसी एतबार से, वो नहीं है, उनके यहां का एक निजाम है, बस इंस्टिंक्ट के तहत है चल रहा। तो जो लोग सिर्फ इसी पर खाना पीना, बच्चे पैदा करना, उनको पाल देना, अगर ये काम कर रहे हैं, कोई उनकी जिंदगी में मकसद है ही नहीं, तो वो निरे हैवान है, इंसान है ही नहीं। उलायत कल अनाम बल हूं मदल, वो चौपायों के मानिंद है बल्कि उनसे भी गाय गुजरे। इंसान कहलाने का मुस्तहिक कम से कम वो शख्स है जिसने जिंदगी में कोई ना कोई मकसद मुअय्यन किया, किस लिए जीना है, किस लिए मरना है, जिंदगी काहे के लिए, वो मकसद तो क्या है, असल में तो क्या था, अपने रब को चाहो, उससे मोहब्बत करो, उसको मतलूब बनाओ। तुम्हारा मतलूब सिर्फ अल्लाह हो, ला मतलूब इल्लल्लाह, ला मकसूद इल्लल्लाह, ला महबूब इल्लल्लाह, ये था जिसके लिए तुम्हें जीना था, इसी के लिए तुम्हें मरना था। इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिस शख्स की यह तौहीद नहीं है, वो अकीदे की तौहीद लिए फिरे, अमल में मुशरिक है, शिर्क फिल अमल, जिसका तस्करा पहले भी हो चुका है, लेकिन इन सूरतों में अब एक बड़े सीक्वेंस के साथ आएगी बात। वैसे वो आयत हम पढ़ चुके हैं, अरायत मनी तखदा इलाह हवा को अफानता तकून वाले है वकीला। ए नबी, आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया, तो क्या आप ऐसे शख्स की जिम्मेदारी लेंगे? वो कहता तो है अपने आप को, मैं मुवाहिद हूं, मुवाहिद हूं, अपनी ख्वाहिशात नफ्स, अपने नफ्स के किसी मुतालबे को पूरा कर रहा है, यह देखे बगैर कि अल्लाह ने इसको हलाल किया या हराम किया है, तो इसका माबूद तो इसका नफ्स है, अल्लाह कहां है। हाँ, अल्लाह के लिए भी जाके नमाज पढ़ लेता है, लेकिन दूसरी तरफ वो नफ्स को अपना माबूद बनाकर शिर्क कर रहा है, कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तावीज़ को वो उसके उसके जो है बाकायदा तस्बीह कर रहा है, ज़र्बे लगा रहा है, जबकि उसका माबूद उसका नफ्स है। इसी तरीके से हदीस में आया, तैसे अब्दुल दीनार व अब्दुल दिरहम, हलाक हो जाए या हलाक हो गया दिरहम व दीनार का बंदा, नाम अब्दुल रहमान है, हकीकत में अब्दुल दीनार है, इसलिए कि दीनार के लिए हलाल और हराम की सारी उसने तकसीम खत्म कर दी है। डॉलर आए, पेट्रोल डॉलर आए, कुछ और आए, दौलत आए, चाहे हलाल से आए, हराम से आए, जायज से आए, नाजायज से आए, ये तो फिर माबूद कौन हुआ? दौलत। हिंदू में और आप में फर्क क्या है? हिंदू ने दौलत की देवी भी बनाकर एक रख ली है, वो लक्ष्मी बाई है उनकी, उसको पूजते हैं, दंडवत करते हैं, इसकी कृपा हो जाएगी तो दौलत हो जाएगी। हमने कहा हटाओ इस तकल्लुफ को, इस लक्ष्मी बाई को हटाओ, सीधे दौलत को पूजो, तो दौलत के पुजारी तो हम हैं। ये जो तौहीद है, तौहीद अमली, इसका जो पहला नुक्ता है अल्लाह की बंदगी की तौहीद, तौहीद फिल इबादत, बंदगी सिर्फ अल्लाह की हो, यानी कुल की कुल इताअत उसके लिए हो, बाकी इताअत उसकी इताअत के ताबे हो। बाप का हुक्म मानो, हां, जो शरीयत के खिलाफ ना हो मानो, मां का मानो, उस्ताद का मानो, हाकिम का मानो, मानो जो हुक्म अल्लाह के हुक्म के मुनाफी ना हो। ला ताअत लिमखलूक फी मासियतिल खालिक, मखलूक में से किसी की इताअत नहीं होगी जिससे कि खालिक की मासियत लाजिम आ रही हो। अगर यह नहीं है और मखलूक में से किसी की भी इताअत आपने कबूल कर ली है जिसमें कि खालिक की मासियत आ रही है, तो यह शिर्क है। चाहे वह मखलूक आपका अपना नफ्स हो, चाहे वह कोई हुक्काम हो, चाहे वो कोई और इदारा हो, कोई भी हो, सब वो सब ताहूत है।
तो पहली ये सूरत सूरत ज़ुमर है, इसमें आप देखेंगे किस तकरार के साथ बात आ रही है, अल्लाह की बंदगी लेकिन उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हुए बंदगी। चंद आयतें इसकी हम पढ़ लेते हैं, वैसे ये कि वक्त बहुत कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इस किताब का उतारा जाना है उस अल्लाह की तरफ से जो अल अज़ीज़ है, जबरदस्त है, और अल हकीम है, कमाल हिकमत वाला। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक। ए मोहम्मद, हमने आप पर यह किताब उतारी है हक के साथ। फ़ाबुदिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। बस बंदगी करो अल्लाह की, उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हुए। बंदगी हो रही है, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, उम्रे हो रहे हैं, हज हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ताहूत की इताअत भी हो रही है, हराम खोरी भी हो रही है, जो कुछ सारा कुछ चल रहा है हमारी जिंदगियों के अंदर, सूदी लेन देन भी हो रहा है, वो सब क्या है? ये तो खालिस बंदगी तो ना हुई अल्लाह की। ये तो बड़ी पॉल्यूटेड है, इसके अंदर तो बड़ी बड़ी गंदगियां शामिल है। फ़ाबुदिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, उसके लिए अपनी इताअत को खालिस कर। अलाल्लाहिद्दीनुल खालिस। आगाह हो जाओ, अल्लाह के यहां कबूल है सिर्फ वो इताअत जो खालिस हो। कुछ आधी अल्लाह की आधी किसी और की, दफा करो वो आधी, ये भी उसी को दे दो। अल्लाह अल्लाह बहुत गयूर है, वो कबूल नहीं करता। मेरा बनना है तो पूरे मेरे बनो। या अय्युहल लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। इस्लाम में दाखिल होना पूरे के पूरे आना पड़ेगा। और अगर तुमने यह किया, अफतो में नूना बेबाजिल किताबें व तकफरूना बेबाज, हमारी किताब के एक हिस्सों को माना, हमारी शरीयत के बाद अहकाम को माना और बाज को ठुकरा दिया, पांव तले रौंद दिया। फमा जजाउ मन यफअलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। तो जो लोग ये तर्ज़ अमल इख्तियार करेंगे उनकी सजा इसके सिवा कुछ नहीं कि दुनिया की जिंदगी में ज़लील व ख़ार कर दिया जाए और क़ियामत के दिन शदीद तरीन अज़ाब में झोंक दिया जाए। तो दुनिया की रुसवाई तो हमारे सामने है, हमारे माथे पर लिखी हुई है। 150 करोड़ या 130 करोड़ दुनिया में होते हुए इज्जत नाम की कोई शय हमारे पास नहीं। जो भी बैन अल-अक़वामी मामलात हो उनमें कोई हमसे कोई राय लेता ही नहीं। अलाल्लाहिद्दीनुल खालिस। आगाह हो जाओ कि अल्लाह के यहां मकबूल अगर होगा तो दीन खालिस। वल्लज़ीन तख़द्दु मिन दूनिही औलिया। और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के सिवा कुछ और को औलिया बनाया हुआ है। मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। कहते हैं हम नहीं इनको नहीं पूछते, हम तो असल में अल्लाह ही को पूछते हैं। इनको सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे, ये हमारे ये वसीले हैं, इनके जरिए से हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे, इसलिए पूछते हैं। इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून। यकीनन अल्लाह ताला फैसला कर देगा उनके माबैन उन तमाम चीज़ों में जिनमें इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। अल्लाह ताला हरगिज़ हिदायत नहीं देता उनको जो झूठे हों और नाशुक्रे हों। कफ्फार। लव अराद अल्लाह यत्तख़िज़ वलदन लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशा सुभाना। अगर अल्लाह का वाकई इरादा होता कि वो किसी को औलाद बनाए तो ठीक है, अपने अपने जो मखलूक है उनमें से जिसको चाहता चुन लेता। इसलिए कि उसके यहाँ औलाद का तो तसव्वुर नहीं है, उसकी औलाद कोई है ही नहीं, एक खालिक है, बाकी सब मखलूक है। तो फरिश्ते भी मखलूक हैं, अल्लाह को जरूरत क्या पड़ी है किसी को अपना बेटा बनाने की या बेटी बनाने की। सुभानहू, वो पाक है। हुवल्लाहुल वाहिदुल कहार। वो तो अल्लाह है, अकेला है, कहार है, और खुद छाया हुआ है कुल कायनात के ऊपर, कुल तखलीक, कुल मखलूकात के ऊपर उसकी हुकूमत कायम है। खलक समावात वल्लर्द बिलहक। अल्लाह ने पैदा किया है आसमान और जमीन को हक के साथ, यानी बामकसद है, नतीजा खेस तखलीक है, ये बेनतीजा का कार्य अबस और बातिल नहीं है। युकव्विरुल्लैल अलन्नहार। वो रात को लपेट देता है दिन पर। भाई युकव्विरुल्नहार अलन्नैल, और दिन को लपेट देता है रात पर। अब ये जो है कहीं यूलिजुल्लैल फिन्नहार आता है, कहीं युकव्विर आ रहा है, तो ये मुख्तलिफ जो अल्फाज हैं, ताबीरात हैं, लेकिन मकसद क्या है कि ये दिन और रात है तो नहीं है। आपको मालूम है कि पूरा निज़ाम जो चल रहा है इसी के हवाले से है, पूरा आलम नबातात का जो रेस्पिरेशन का निज़ाम है वो इसी के साथ मुतालिक है। लिहाजा यहाँ कोई शय भी बेमकसद नहीं है। जब कोई शय बेमकसद नहीं है तो इंसान कैसे बेमकसद हो सकता है, किस लिए उसको पैदा किया? हदीस में जैसा कि आया कि इन्नमा दुनिया खुलिकत लकुम वअंतुम खुलिकतुम लिल आखिरा। दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई लेकिन तुम आखिरत के लिए बनाए गए।
جب تک کہ آخرت کا تصور نہ ہو پھر انسان کا اور خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حس ہے, ایک مورل سینس ہے اس کے اندر, کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ بری ہیں, اس کا احساس ہے اس کے اپنے اندر, تو اس کا کوئی نتیجہ کہاں آخر نکل رہا ہے دنیا میں, اس کے لیے دوسری زندگی اور بعد سے بعد الموت لازمی ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی, كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى, یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے. اللہ هو العزیز الغفار, آگاہ ہو جاؤ وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منہا زوجہا, اس نے بنایا ہے تمہیں ایک ہی جان سے ایک ہی جی سے. اب اس کو جو لوگ ایولیوشن کو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کے بعض اجزاء کی مطابقت ہے, وہ تعبیر کرتے ہیں کہ ایک ہی, یعنی ابتدا میں جو حیوانات پیدا کیے گئے ہیں جو لوور اینیملس ہیں بالکل شروع میں, ان میں سیکس نہیں تھا, جیسے کہ امیبا ہے وہ بس دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, یہی اس کی اولاد ہو گئی, وہ جو باپ کہہ لیں ماں کہہ لیں وہ ایک ہی ہے. اس کے بعد ایسے بھی پیدا ہوئے کہ جن میں ایک ہی جانور میں دونوں سیکس ہیں. یہ جو راؤنڈ ورم ہوتا ہے, راؤنڈ ورم جو برسات میں جو نکل آتے ہیں بہت لمبے لمبے سے کیڑے, یہ ہرمفروڈائٹ ہیں, ان کے اندر میل اور فیمیل آرگنس دونوں ایک کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے رفتہ رفتہ پھر ڈیفرینسیشن ہوئی, میل علیحدہ ہو گیا فیمیل علیحدہ ہو گئے. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منہا زوجہا, اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج, اور تمہارے لیے آٹھ جوڑے اتار دیے تمہارے مویشیوں میں سے. عام طور پر عرب میں جو مویشی موجود تھے ان میں سے اونٹ نر اور مادہ, گائے نر اور مادہ, اسی طریقے سے بھیڑ نر اور مادہ, اور بکری نر اور مادہ, یہ جو ہیں ان کے ہاں یہی مویشی تھے. ثمانیت ازواج یہ سورہ انعام میں بھی آ چکا ہے, وہ آپ ہمیں یاد ہوگا. من الابل اثنین ومن البقر اثنین ومن الماعز اثنین, یہ وہاں آ چکا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم, اور وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقن بعد خلقن, ایک خلق کے بعد دوسری خلق, تخلیق کے بعد مراحل ہیں اس کے, نطفہ ہے, علقہ ہے, مضغہ ہے, مخلقہ غیر مخلقہ, پھر اس کو جو اور پھر خلقن آخر, ایک اور ہی تخلیق ہے. اس پہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس موضوع پر ذروۂ سلام جو ہے قرآن مجید کا وہ سورہ مومنون کا پہلا رکوع ہے. فی ظلمات ثلاث, یہ ذکر یہاں آیا ہے, تین پردوں کے اندر تخلیق ہو رہی ہے. یعنی ایک پردہ یہ پیٹ کی دیوار ہے جو مردوں کی بھی دیوار ہے, یہ پیٹ کی ابڈومینل وال ہے. دوسرا پردہ پھر جو یوٹرس ہے, رحم ہے ماں کا, اس کی موٹی دیوار ہے. تیسری وہ جھلی ہے جس میں کہ وہ بچہ جو ہے جنین لپٹا ہوا ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ بھی ظاہر بات ہے اس وقت جو ہے جینیٹکس بھی نہیں پڑھائے گئے تھے, نہ یہ پڑھائی گئی تھی امبریولوجی, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن فی ظلمات ثلاث, یہی وجہ ہے جو میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ کیتھل مور جو کہ امبریولوجی پر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے, اس نے مانا ہے کہ قرآن مجید میں جس طریقے سے یہ بیان ہوا ہے واقعتاً حیران کن ہے. تو تین پردوں کے اندر اللہ جیسا چاہتا ہے بنا رہا ہے, اس کا منہ قلم تو اللہ ہی کر رہا ہے, شکل بنا رہا ہے اس کی جو بھی کر رہا ہے, اب ہم اس کو تشبیہ تو نہیں دے سکتے لیکن اللہ بنا رہا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم, وہ بناتا ہے تخلیق کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقن بعد خلقن, ایک طرح سے دوسری طرح, ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ. فی ظلمات ثلاث, تین اندھیروں میں. ذالکم اللہ ربکم, وہ ہے اللہ تمہارا رب. لہ الملک, بادشاہی بھی اسی کی ہے. لا الہ الا ہو فانا تصرفون, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو کدھر پھیرے جا رہے ہو, پھرائے جا رہے ہو. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, اگر تم کفران نعمت کرتے ہو کفر کرتے ہو تو اللہ غنی ہے, اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, احتیاج نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ اس کی سلطنت میں کوئی کمی آ جائے گی. ولا یرضى لعباد الکفر, لیکن وہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے. اختیار تو اس نے دیا ہے, اما شاکر و اما کفورا, چاہو تو شکر گزار بندے بنو چاہو کفران نعمت کے روش اختیار کر لو, چوائس از یورس, لیکن یہ جان لو اللہ راضی نہیں ہے کفر پر. راضی وہ ہوتا ہے وہ ان تشکرو یرزق لکم, اگر تم اس کا شکر کرو, اس کی تعریف کرو, اس کی بندگی کرو, پھر وہ تم سے راضی ہوگا. ولا تذر وازرۃ وزر اخرى, اور نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو. ثم الى ربکم مرجعکم, پھر تمہارا لوٹنا ہے تمہارے رب ہی کی طرف. فینبئکم بما کنتم تعملون, پھر وہ تمہیں بتا دے گا, متنبہ کر دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. انہو علیم بذات الصدور, یقینا وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا بھی, جو راز ہیں تمہارے سینوں میں.
वैजाम इंसान दुर बहु मुनीबन लय, और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है वो अपने रब को पुकारता है, दुआएं करता है उसकी तरफ रजू करते हुए। सुम्मा इज़ा खव्वलहु नेमतम मिन्हु, और जब अल्लाह ताला उसको ओढ़ा देता है, उसके गिर्द अपनी नेमत का खौल ले आता है, खव्वलहु उसे लपेट लेता है अपनी नेमत में, नसीया मा काना यद्उ इलैहि मिन क़ब्ल, तो जो पहले वो जिस चीज़ के लिए अल्लाह से दुआएं कर रहा था सब भूल जाता है। वजअला लिल्लाहि अंदादा, और इससे उससे भी बढ़कर जो करता है शरारत वो ये है कि अल्लाह के मुद्दे मुकाबिल ठहरा लेता है, ले युदिल्ल अन सबीलिही, ताकि बहकाए लोगों को उसके रास्ते से। कुल तमत्ता, तो अल्लाह ताला की तरफ फरमाया जा रहा है, नबी कह दीजिए उठा लो कुछ दुनिया के कुछ जो मजे हैं वो लूट लो, बेकुफर का अपने कुफर के साथ, कलीलन लेकिन बहुत कम, चंद दिन की जिंदगी है, इसमें जो तुम्हें अय्याशी करनी है कर लो, इन्नका मिन असहाबिन नार, फिर मुस्तकिल तौर पर तो तुम आग वाले हो, तुम्हें आग के अंदर झोंका जाएगा। अमन हुआ कानतुन आना लैल साजिदन वकायमन यहज़रुल आखिरत वयरजु रहमत रब्बी, इस सूरत में ये खास उसलूब कई मरतबा आएगा कि एक चीज़ को एक जुमले को आगे नामुकम्मल छोड़ देते हैं कि उसे खुद इंसान पुर करे, फिल इन द ब्लैंक, वो खुद ब खुद उसके अंदर मुकद्दर तो है लेकिन उसको वाज़े तौर पर नहीं किया जाता। मसलन उसकी मिसाल, और ये कई दफ़ा आएगा उसलूब, अब मन हुआ कानतुन आना लैल, भला वो शख्स कि जो खड़ा रहता है बंदगी करता है रात के वक्त भी, साजिदन व कायमन, कभी सजदे में पड़ा हुआ है कभी खड़ा हुआ है, यह ज़रूर आखिरता, जो आखिरत से डरता रहता है, वह यरजू रहमत रब्बी, और साथ ही अपने रब की रहमत का उम्मीदवार भी है। बस आगे कुछ नहीं, मुराद क्या है, क्या भला ये शख्स का मन हुआ गाफिल, क्या बराबर हो जाएगा उसके जो गाफिल है, भला वो शख्स जिसकी कैफियत यह है कि वो फरमा बरदार है रातों के औकात में भी सजदे में भी और खड़े होकर भी अल्लाह की बंदगी करता है, आखिरत का खौफ उसके दिल में है लेकिन अपने रब की रहमत की उम्मीद भी है। कमन हुआ गाफिल, क्या वो शख्स बराबर हो जाएगा उसके कि जो गाफिल है। कुल, कह दीजिए, हल यस्तवी लजीन यालमून वल्लजीन यालमून, क्या बराबर हो सकते हैं वो लोग के जो इल्म रखते हैं और वो के जो इल्म नहीं रखते। इन्नमा यज़क्कर उलुल अलबाब, हकीकी नसीहत और सबक तो हासिल वही करते हैं कि जो अकलमंद लोग हैं। कुल या इबादी अल्लजीन आमनू, देखिए फिर आगे आइए, सीधा या अय्युह अल्लज़ीन आमनू नहीं है, ये मक्की सूरतें हैं। कुल या इबादी अल्लज़ीन आमनू, कह दीजिए ऐ नबी, ऐ मेरे वो बंदो जो मुझ पर ईमान लाए हो, इत्तकू रब्बकुम, अपने रब का तकवा इख्तियार करो, जिन चीज़ों से उसने रोक दिया रुक जाओ, और तुम्हारे अंदर उसकी रजा जुई रहनी चाहिए। लिल्लज़ीन अहसनू फी हाज़िही दुनिया हसना, जो लोग नेकी के राह पर रविश इख्तियार करेंगे, एहसान के रविश इख्तियार करेंगे, उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है। वह अर्दुल्लाह वासिया, और ज़मीन अल्लाह की बड़ी वसी है, अगर यहाँ रहते हुए तुम्हारे लिए तौहीद पर कारमंद रहना मुमकिन नहीं है तो हिजरत करो। इन्नमा युवफ़ साबिरून अजरहुम बग़ैर हिसाब, यकीनन साबिरों को सब्र करने वालों को उनका अजर पूरा पूरा दे दिया जाएगा, युवफ़ा भी है पूरा दे दिया जाएगा, फिर बग़ैर हिसाब भी, इसका मतलब है मजीद फ़ज़्ल जो होगा वो बग़ैर हिसाब होगा, उसमें किसी हिसाब का सवाल नहीं। कुल इन्नी उमिर, तो अब देखिए फिर वो जो शुरू का मजमून था ये इस सूरत का उमूद है, किस तरह बार बार आएगा। अब कुल इन्नी उमिर तो आबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, कह दीजिए नबी मुझे हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह की बंदगी करूं, उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हैं। यहां मैं चाहता हूं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, देखिए इबादत के आप यूं समझिए कि एक इबादत का जाहिर है और एक इबादत की असल हकीकत है, फिर ये कि एक उस हकीकत में भी एक रूह है और एक उसका जसद है, एक उसके रसूमात है, रस्म कहते हैं किसी शे की ज़ाहरी शक्ल, इबादत की रस्म जिसको मरासिम इबादत कहते हैं, ये मरासिम अबूदियत क्या है जिसकी आप इबादत करते हैं, उसके सामने झुकते हैं, उसके सामने अदब के साथ खड़े रहते हैं, उसके कुछ हम्द के तराने गाते हैं, उसके सामने सजदा करते हैं, इनको हम कहेंगे मरासिम अबूदियत। रस्म कहते हैं किसी चीज़ की ज़ाहरी शक्ल, ये हरूफ है और ये रस्म जो है रस्मुल खत, इसी तरह ये कुरान और ये उसका रस्म उस्मानी है, इसका लिखा हुआ जाना जैसे कि ये रस्म जाहिर है। तो एक तो ये चीजें हैं इबादत जिसे दुनिया में समझा जाता है इबादत, ये मरासिम उबूदियत है। असल इबादत जो है उसका भी एक जसद है और एक रूह है। जसद क्या है? इताअत, जिसकी इबादत है कुल्ली इताअत, हम अतन इताअत, हम वक्त इताअत, गुलामी, अब्द के मानिए गुलाम। चुनाते दो लफ्ज दो दफा हम पढ़ चुके हैं कि फिरौन ने कहा था बनी इसराइल के बारे में कौम हुमा लना आबिदून, ये जो हारून और मूसा की कौम है वो तो हमारी गुलाम कौम है, और जाहिर बात है वो परस्तिश नहीं करते थे,
वो किमतियों को पूजते नहीं थे, वो उनकी नमाज नहीं पढ़ते थे, वो उनको सजदा नहीं करते थे माज अल्लाह। लेकिन गुलामी जो है असल शै इताअत, ये तो असल जिस्म है, असल इबादत का जो है जिस्म जसद जो है वो है इताअत। लेकिन जो चीज इस इताअत को गुलामी से आगे बढ़कर इबादत बना देती है वो उसकी रूह है, रूह मोहब्बत। जिस हस्ती की इताअत मोहब्बत के साथ की जाएगी वो इबादत हो जाएगी। एक जबरन इताअत की जा रही है, अब जैसे कि अंग्रेज की हम इताअत करने पर मजबूर थे, हम इताअत कर रहे थे, इबादत नहीं कर रहे थे लेकिन इताअत कर रहे थे, लेकिन किसी की मोहब्बत के सजदे से सरशार होकर इताअत की जाएगी तो वो इबादत बन जाएगी। तो अल्लाह की इबादत के लिए जो भी डेफिनेशन उसकी इमाम इब्न तैमिया और हाफिज इब्न कय्यम उस्ताद और शागिर्द दोनों की है वो ये है कि इसके दो अज्जा हैं, अल इबादत तजमाउ असलैन गायत अल हुब मा गायत ज़ुल्ल वल खुज़ू, कि दो चीजों को जमा करने से अल्लाह की इबादत जो है वजूद में आती है, हद दर्जे की मोहब्बत अल्लाह के साथ और हद दर्जे में अल्लाह के सामने अपने आप को बिछा देना, मुती और मुनकाद हो जाना। अच्छा, ये तो है असल इबादत, लेकिन इसके लिए जो रस्म है वो क्या है? कभी कभी खड़े होकर कभी सल्यूट कर लेना है, कभी हाथ जोड़ देना है। अब हिंदुओं के यहां हाथ जोड़ना है, ये उनके यहां की रस्म है, कुनूत है, हमारे यहां कुनूत है, अदब के साथ खड़े होना है, कहीं जो झुक जाना है, रुकू करना, कहीं सजदा करना है, हम्द के तराने जो है पढ़ रहे हैं, तस्बीह कर रहे हैं, ये उसकी मरासिम अबूदियत है। इबादत असल क्या है? इताअत कुल्ली, अल्लाह की मोहब्बत से सरशार होकर। तो इस सूरत का जो उमूद है वो ये है कि अल्लाह की इबादत करो उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हुए। इताअत में आपने किसी और को शामिल कर दिया, इंडिपेंडेंट ऑफ हिम, अल्लाह की इताअत से आजाद मुस्तकिल बिज़ात इताअत, ये शिर्क है और वो इताअत अल्लाह को कबूल नहीं। वो मुंह पर दे मारेगा, ये मुझे 25% इताअत नहीं चाहिए आपकी, आप लीजिए अपने सर पास रखिए, मुझे तो चाहिए 100%। उदखुलू फिस्सिल्म में काफ़ा, और हम समझते हैं कि हम 5-10% भी तरखा लेंगे अल्लाह ताला को तब भी हमें जन्नत वो दे ही देगा। यही है असल में हमारा जो सारे सोच का फतूर है, ये कुल जिंदगी और कुल बंदगी जो है इसका तस्वुर जहनों से निकल चुका है। ये तस्वुर है जो इस सूरत से अब इसकी जड़ पड़ रही है और ये दर हकीकत क्लाइमेक्स को पहुंचेगा चौथी सूरत में जाकर, सूरह शूरा में। तो देखिए फिर आ गया, कुल इन्नी उमिरतु अन आबुद अल्लाह मुखलिसन लहु दीन, कह दीजिए मुझे तो हुक्म हुआ कि मैं अल्लाह की बंदगी करूं उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हुए। वह उमिरतु लियान अकून अव्वल अल मुस्लिमीन, और मुझे हुक्म हुआ कि सबसे पहला मुस्लिम, सबसे पहला फरमा बरदार मैं खुद बनूं। यह नहीं है कि मैं तुम्हें फरमा बरदारी की दावत दे रहा हूं और खुद जो है मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं, यह नहीं। कुल इन्नी अखाफ नसैत रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, कह दीजिए मुझे तो खुद अंदेशा है अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो एक बड़े दिन का अजाब मुझे आ पकड़ेगा, मैं अपने आप को मुस्तस्ना नहीं समझता, मैं भी बंदा हूं, अगर मैं मासियत करूं, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं। जाहिर बात है कि ये जो है अगर बहुत बड़ा अगर है, जाहिर इसके हुजूर का इम्कान नहीं, हुजूर के लिए समझाने के लिए उन लोगों को बताया जा रहा है। कुल इल्लाह आबुदु मुखलिसन लहु दीनी, फिर वही। हालांकि देखिए एक बात है कि एक ही उसलूब को बार बार तकरार से लाना आम हमारी दुनिया में, जो हमारे निगारिश के और जो भी यानी तसनीफ और तारीफ के उसूल है उसको ऐब समझा जाता है कि ये तो तसनीफ और तारीफ का ऐब है, एक ही उसलूब को आप तकरार में ला रहे हैं, ये तो कमाल अल्लाह का है फसाहत और बलागत का कि वो ला रहा है उसको बार बार और फिर कोई भारी नहीं गुजरता, बल्कि ये कि उसके अंदर उसके और हुस्न बढ़ रहा है। लेकिन ये कि इस तकरार से जो एम्फेसिस है उसको समझिए कि ये उसलूब बार बार क्यों आ रहा है। पहली आयत ये थी तंजील किताब मिन अल्लाह अज़ीज अल हकीम इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक फअबुदिल्लाह मुखलिसन लहु दीन अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, और उसके बाद अब आपने यहां देखा आयत नंबर 11 कुल इन्नी उमिरतु अन अबुदल्लाह मुखलिसन लहु दीन, और फिर आयत नंबर 14 कुल इल्लाह अबुदु मुखलिसन लहु दीन, कह दीजिए मैं तो अल्लाह ही की बंदगी करता हूं उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हुए। फाबुदु मा शेतुम मिन दूनी, तो उसके सिवा तुम जिसको चाहो पूजो, तुम्हारी मर्जी है। कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीन खसरू अनफुसहुम, कह दीजिए कि असल में तो घाटे में और नुकसान में और बर्बादी में तो वही होंगे जिन्होंने अपने आप को और अपने आप को वाहली ही और अपने घर वालों को अपने अहलो अयाल को खिसारे में डाला। यौमल क़यामा, क़यामत के दिन, यहां तो हलवे मांडे खिलाए, पराठे अंडों के नाश्ते कराए, लेकिन जो झोंक रहे उन्हें जहन्नम के अंदर, तो तुम उनके साथ खैरखाई कर रहे हो या बदखाई कर रहे हो? खुद भी सारे सीधे जा रहे हो जहन्नम के अंदर और लेकर जा रहे हो अहले अयाल को जहन्नम के अंदर हरामखोरी करके, तो ये उनकी मोहब्बत है या उनकी दुश्मनी है?
قل ان الله ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه, قیامت کے دن جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو, جیسے کہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے سورہ تحریم میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے, جہنم کی آگ سے. لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو آگ کا مستحق بنا لیا اپنے اہل و عیال کو, ان سے بڑا گھاٹے میں کون ہوگا. الا ذالک هو الخسران المبین, آگاہ ہو جاؤ یہ تو کھلی گمراہی ہے, کھلا گھاٹا ہے اور نقصان ہے. لہم من فوقہم ظلل من النار, ان کے لیے ہوں گے ان کے اوپر سے بھی بادل ہوں گے تہ بر تہ ظلل آگ کے, ومن تحتہم ظلل, اور ان کے نیچے بھی آپ کے بھبکے ہوں گے اور وہ بھی تہ بر تہ ہوں گے. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ, یہ ہے وہ شے کہ جس سے اللہ ڈرا رہا ہے اپنے بندوں کو, یا عباد فتقون, اے میرے بندوں پس ڈرو بچو, اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها, وہ لوگ کہ جنہوں نے طاغوت کا انکار کیا, ان سے کنارہ کشی کر لی, ان کی بندگی نہیں کی. اور یہ طاغوت کہلے سورہ بقرہ سے پڑھتے ہوئے مارے, فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, جو بھی اللہ کی اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ طاغوت ہے. تغا, تغا کسے کہتے ہیں؟ طغیانی. دریا اپنی حد میں بہ رہا ہے, کیا خوبصورت منظر ہے, اور وہ حد سے باہر نکلا طغیانی آ گئی. یہ انسان اللہ کی بندگی کی حد میں رہے بہت اچھا ہے, اللہ کا خلیفہ ہے, اشرف المخلوقات ہے, اور بڑھ گیا آگے اور اللہ کی حدود کے اندر داخل ہو گیا, اپنے نفس کو بنا لیا مطاع یا کسی اور کو بنا لیا مطاع, خود حاکم بن بیٹھا یا کسی اور کی حاکمیت کا قائل ہو گیا اللہ سے آزاد ہو کر, تباہی ہے بربادی, وہ طاغوت ہے. تو جن لوگوں نے بھی کنارہ کشی کر لی اس سے کہ وہ طاغوت کی بندگی کریں, وانابوا الی اللہ, ہے اور انہوں نے رخ کر لیا اپنا اللہ کی طرف, رجوع کر لیا اللہ کی جانب, لہم البشرا, ان کے لیے بشارت ہے, فبشر عباد, تو اے نبی میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دیجئے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے اس کو غور سے سنیے, فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, جو لوگ کے کلام سنتے ہیں بات سنتے ہیں اور پھر جو اس کا بہترین رخ ہوتا ہے بہترین پہلو ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. یعنی یہ کہ دین جس کی طرف کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے اس کے بھی درجے ہیں, ایک درجہ ہے صرف اسلام کا, ایک اس سے اونچا درجہ ہے ایمان, ایک سب سے اونچا درجہ ہے احسان, واللہ یحب المحسنین, تو اچھے سے اچھے درجے کی طرف جانے کی کوشش کرو. ہمارا معاملہ کیا ہے دنیا میں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی سے اچھی بہتر سے بہتر ہے, جس دنیا کے خوب سے ہے خوب تر کہاں, اور دین میں ہم کہتے ہیں ذرا اور کم پر بھی گزارا ہو جائے, کہیں اور تھوڑی رعایت کر کے پیچھے چلے جائیں, پاس ہو جائیں کسی طرح کم سے کم کے لیے, یہ ہے در حقیقت جو کہ برعکس روش ہونی چاہیے. فیتبعون احسن, عظیمت کا راستہ اختیار کرو بہتر سے بہتر کے لیے, ایم ہائی دین کے معاملے میں بھی اپنا ارادہ جو رکھو وہ اونچا رکھو. یستمعون القول, جو بات سنتے ہیں, فیتبعون احسن, جو اس کی احسن ترین پھر اس کے اندر جو پہلو ہے اس کو اس کا اتباع کرتے ہیں. اولئک الذین ھداہم اللہ, یہ ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے, واولئک ھم اولو الالباب, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اولو الالباب ہیں, ہوش مند ہیں عقل مند ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب, اور یہاں پھر وہی آ گیا, بھلا وہ شخص کہ جس جو مستحق ہو چکا ہے, جس پر لاگو ہو چکی ہے عذاب کی بات, یعنی جو مستحق ہو گیا عذاب کا, اس کے بعد کیا پھر چھوڑ دیا گیا, کمن ہوا فی الجنہ, کیا وہ برابر ہو جائے گا اس شخص کے کہ جو جنت میں جانے والا ہے, یہ گویا کہ یہاں پر محذوف ہے. افانت تلقذ من فی النار, تو اے نبی کیا آپ اس کو نکال سکیں گے آگ سے, اس کے اوپر تو اللہ کی طرف سے وہ قانون عائد ہو گیا, دفعہ لگ چکی, جیسے آپ کہتے ہیں اس پر تو دفعہ 302 لگ گئی, تو جن لوگوں پر وہ دفعہ لگ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ لوگ اس مقام کو پہنچ گئے پوائنٹ آف نو ریٹرن کو, کہ اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی, اب یہ ایمان نہیں لائیں گے, تو ان کو اے نبی آپ ان کو اب آگ سے نکال نہیں سکتے. لیکن الذین اتقوا ربہم, لیکن وہ لوگ کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے, لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ, ان کے لیے تو بالا خانے ہوں گے, ان کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر, اللہ تعالیٰ جنت کے اسکائی اسکریپرز دے گا, جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں 102 منزلیں اور 110 منزلیں چلی جا رہی ہیں, تو غرف من فوقہا غرف, بالا خانے اور بالا خانوں پر بالا خانے, مبنیہ جو چنے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر, تجری من تحت الانہار, ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی,
वाद अल्लाह, ये अल्लाह का वादा है जो हो चुका। ला युखलिफुल्लाहुल मीआद, अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ वर्जी नहीं करता। अलम तरा अन्नल्लाह अनज़ला मिनस समाए माअन, क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने उतारा आसमान से पानी। फसलकहु यनाबिया फिल अर्ज़, फिर उसको चला दिया चश्मों की शक्ल में जमीन में। सुम्मा युखरिज बिही ज़रअन, फिर उन्हीं के जरिए से निकालता है, उसके जरिए से निकालता है वो खेती को। मुख्तलिफन अलवानुहु, जिसके रंग है मुख्तलिफ। सुम्मा यही, जो फिर वो खेती जो है तैयार हो जाती है, बड़ी उसके शान शौकत होती है। फतराहु मुस्फर्रन, फिर देखते हो कि वो जर्दी माइल हो गई। सुम्मा यजअलुहु हुतामा, फिर वो खेती कट गई और अब यूँ समझिए कि वहाँ खाक उड़ रही है, या ये कि तूड़ी के कोई तिनके कहीं कहीं पड़े हुए नजर आ जाएंगे, चूड़ा हो गई। इन फी ज़ालिका लज़िक्रा लिउलिल अलबाब, इसी के अंदर है याद दहानी और सबक होशमंद लोगों के लिए कि यही मामला तुम्हारा है। जब तुम पैदा होते हो तो जैसे खेती नई नई उपजती है तो किसान कितना खुश होता है, किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ कितनी खुशी हो रही है, उसकी आमद को जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। फिर वो जवानी को पहुँचता है, फिर उसके बालों में सफ़ेदी आई, आसाब जो है और जो कवा कमज़ोर पड़े, और फिर उसके बाद वो कब्र में उतार दिया गया, मिट्टी होकर मिट्टी में फिर मिल गया। तो ये लाइफ साइकिल, ह्यूमन लाइफ साइकिल, बस ये है कि ये 50, 60, 30, 40 बरस का है, वो चंद महीने के अंदर अंदर सब कुछ हो जाता है। साइकिल वही है, वो भी लाइफ है, ये भी लाइफ है। द प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ, बायोलॉजी की ये दो शाखें हैं। बॉटनी है तुम्हारा बायोलॉजी, लाइफ द साइंस ऑफ लाइफ, उसके दो दो, दो हिस्से हैं, बॉटनी है, जूलॉजी है, हैवानात की लाइफ और नबातात की लाइफ। अफमन शरह सदर, फिर वही हजर का मौजूद का اسلوب आ रहा है। अफमन शरह सदर للاسلام فهو على نور من ربه, भला वो शख्स कि जिसके सीने को अल्लाह ने खोल दिया हो इस्लाम के लिए और वो अपने रब की तरफ से नूर पर है, अंदरूनी बसीरत उससे हासिल है, अंदर उसका जगमगा रहा है अल्लाह के ईमान के जरिए से और जो बसीरत अल्लाह ने उसे अता कर दी है। अब फिर आगे इसको छोड़ दिया गया, क्या मतलब है? अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिस्लाम फहुवा अला नूरिन मिन रब्बिही, जो अपने नूर के, जो अपने रब की तरफ से नूर के पर है। कमन हुआ फिस ज़ुलुमात, क्या वो उस शख्स के मानिंद हो जाएगा जो अंधेरों में भटक रहा है? लेकिन नहीं, उसको यहां दर्ज नहीं किया। फवैलुन लिल कासियत कुलूबहुम, तो हलाकत और बर्बादी है उन लोगों की जिनके दिल सख्त हो चुके हैं। मिन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से, यानी इतने सख्त हो चुके हैं कि उनमें गुदाज ही नहीं है, उनमें अल्लाह के लिए कोई शौक ही नहीं है, अल्लाह को याद करने का कोई शौक ही नहीं है, उनके दिल सख्त हो चुके हैं, उनके लिए हलाकत और बर्बादी है। उलाए कफी दलाली मुबीन, यकीनन ये लोग हैं खुली गुमराही में, भटके हुए हैं। अल्लाह नज़ल अहसन अलहदीस किताबन मुतशाबिहन, अल्लाह ने उतारी है बेहतरीन हदीस। असल में हमारे यहाँ ये लफ्ज़ हदीस जो है इसके एक ही मानी लोगों को मालूम है, हदीस कुरान, कुरान है, हदीस हदीस है, हदीस से मुराद है हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद में कहीं हदीस का लफ्ज़ हदीस रसूल के लिए नहीं आया। वैसे हदीस का लफ्ज़ सही है, हदीस रसूल है, वो उसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें जानना चाहिए कुरान की इस तरह क्या है। बेहतरीन हदीस कुरान है। फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, इस कुरान की जैसी हदीस के आने के बाद अब और किस चीज़ पर ईमान लाएंगे? तो यहाँ पर भी लफ्ज़ हदीस आ रहा है, अल्लाह का कलाम है ये। तो अल्लाह नज़ल अहसन अलहदीस, अल्लाह ने बेहतरीन बात नाजिल फरमाई है, बेहतरीन कलाम नाजिल फरमाया है, किताबन किताब की सूरत में, मुतशाबहन इसके मजामीन बहुत मुतशाबे हैं। अब जैसे हम देख चुके हैं कि सात जगह तो किस्सा आलम इबलीस आ रहा है, हालांकि उसमें हर जगह कोई ना कोई नई बात है, कुछ ना कोई फर्क है, लेकिन यह कि सात जगह आ रहा है, मुशाबे तो है ना। कुरान को जो शख्स पढ़ रहा है, अगर एक हफ्ते में वो खत्म करता है तो गोया कि हर हफ्ते उसे कहीं ना कहीं वो आलम इबलीस का तस्करा जो है वो मिल जाएगा हर रोज में। तो इस तरीके से ये कि जो अहम मजामीन हैं वो कुरान मजीद में इस तरीके से लाए गए हैं कि सूरतें मुशाबे हैं, सूरतों के जोड़े हैं, मसानियाँ दोहराई हुई या जोड़ों की शक्ल में, दोनों मानी हो सकती हैं इसकी। तक्षाइर्रो मिन्हु जुलूदुल्लज़ीन यख्शौन रब्बहुम, जिन लोगों के अंदर अल्लाह की खशियत है उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस किताब को पढ़कर। इसको पढ़ते हुए उन पर जो अल्लाह ताला का खौफ और अल्लाह की खशियत तारी होती है तो जिस्म के जो बाल हैं, जिल्द के ऊपर जो बाल हैं, वो खड़े हो जाते हैं। सुम्मा तलीन जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, फिर उसके बाद उनकी खालें भी और उनके दिल भी अल्लाह की याद में नरम पड़ जाते हैं। ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशा, ये अल्लाह की हिदायत है जो वो देता है जिसको चाहता है। वमन युद्लिल्लाहु फमा लहू मिन हाद, और जिसकी गुमराही पर अल्लाह ताला की तरफ से मोहर सब्त हो चुकी, फिर उसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं।
افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه, پھر وہی حذف کا موضوع ہے, کا اسلوب ہے, بھلا وہ شخص کہ جو اپنے چہرے کو سوء العذاب سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, جو روکتا ہے اپنے منہ سے, آگ کا کی لپیٹ آ رہی ہے, آگ کے جو ہے تھپیڑے آ رہے ہیں اور وہ کیا کرے, چہرہ جو ہے اس کی زد میں ہے. افمن یتقی بوجهه, اپنے چہرے سے روکتا ہے سوء العذاب, عذاب کو, یوم القیامه, قیامت کے دن, تو کیا بھلا وہ شخص اس کے برابر ہو جائے گا جو روح و ریحان و جنت و نعیم کے اندر ہے؟ برابر تو نہیں ہوگے. بھلا وہ شخص کہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب یوم القیامه, قیامت کے دن, وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون, اور کہہ دیا جائے گا ان سے ظالموں سے چکھو مزہ, جو کچھ کمائی تم کرتے رہے تھے یہ تمہارے وہی اعمال ہیں کہ جنہوں نے اس آگ کی شکل اختیار کی ہے. کذب الذین من قبلہم, اے نبی جھٹلایا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے, فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون, تو ان پر آ دھمکا عذاب وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا. فذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا, تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انہیں رسوائی کا مزہ چکھا دیا. ولعذاب الآخرة اکبر, آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. لو كانوا يعلمون, کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل, اور ہم نے تو انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام مثالیں بیان کر دی ہیں, ہر طریقے سے بات کو کھول دیا ہے, کتنے ہی اسلوب ہم نے اختیار کر لیے ہیں, کتنی ہی ترتیب سے بات بتا دی ہے, لعلهم يتذكرون, شاید کہ وہ دھیان کریں تاکہ وہ توجہ کریں, سبق حاصل کریں. قرآن عربی غیر ذی عوج, اور ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی, فصیح اور بلیغ عربی زبان میں یہ قرآن ہم نے اتارا ہے, غیر ذی عوج, اس میں کہیں بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, کوئی کجی نہیں ہے, سلیس سلیس ہے, اس میں کہیں پہیلیاں اور بجھارتیں نہیں بجھوائی گئی ہیں. اس میں جو ہے بعض اوقات ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں اپنے علم کا دھوس جمانے کے لیے ثقیل الفاظ استعمال کریں گے خاص طور پر, وہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو بڑی سلیس زبان کے اندر, ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, ہم نے تو آسان بنایا قرآن کو ذکر کے لیے, تو ہے کوئی جو اس سے ذکر حاصل کرے. قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون, شاید کہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون. اب یہ توحید عملی کے لیے ایک تمثیل دی جا رہی ہے. اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایک شخص کی, ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی آقا ہیں, چار آدمیوں نے خرید مل کر خرید لیا ہے غلام. اب وہ غلام چار کا غلام ہے, چار اس کے آقا ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی جان کس مصیبت میں آئے گی, ایک آقا کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے, ایک باس جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے دوسرا باس کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ جو ایڈمنسٹریشن کا اور مینجمنٹ کے جو اصول ہیں, تو اس میں جو سیدھی لائن جب تک نہ ہو اس سے تو سارا فساد بن جاتا ہے. اب وہ جو بیچارہ غلام ہے جسے چار آقاؤں کو خوش کرنا ہے, اس کی تو جان ہر وزیر کے اندر ہے. وہ رجلن سلم الرجل, اور ایک شخص ہے جو پورا کا پورا ایک شخص کا غلام ہے, تو ایک آقا کو راضی کر لینا, اس کی خدمت کرنا, اس کو مطمئن کرنا کتنا آسان ہے, جبکہ ایک سے زائد آقاؤں کو مطمئن کرنا اور خوش رکھنا اور ان کی خدمت کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے. یہی شرک اور توحید کا معاملہ ہے. ایک اللہ کے بندے بن جاؤ, اسی میں سکون ہے, اسی میں اطمینان ہے, اسی میں چین ہے, ذہنی سکون اور قلبی اطمینان بھی اسی میں ہے, روحانی سکون بھی اسی میں ہے. اور جب تم یہ کہ یہ شرک اور بہت سے دیوی اور بہت سے دیوتا, تو ہر وقت جو ہے وہ جان کانپتی رہے گی کہ ایک دیوی راضی ہو رہی تو دوسری ناراض ہو رہی ہے, اور ایک دیوتا جو ہے اس کی کوئی ڈنڈوت کی ہے تو دوسرا ناراض ہوگا کہ میرے ہاں کوئی چڑھاوا نہیں چڑھایا. تو یہ تو ان کی جان تو ہر وقت جو ہے مصیبت کے اندر رہے گی. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون, اور وہ شریک جو ہے اس کے آقا وہ زندی بھی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اراد رکھنے والے بھی ہیں, تو اس کا کیا حال ہوگا اس غلام کا جو ان چار آقاؤں کا غلام ہے. ورجلا سلما لرجل, اور ایک جو غلام وہ ہے, ایک شخص وہ ہے کہ جو ایک ہی آدمی کا غلام ہے. هل يستويان مثلا, کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ الحمدللہ, کل تعریف اللہ کے لیے, یعنی یہ کہ صاف بات ہو گئی کہ توحید ہی صحیح راستہ ہے. بل اکثرهم لا يعلمون, لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. انک میت و انہم میتون, اے نبی آپ کو بھی وفات پانا ہے, موت آپ پر بھی وارد ہوگی اور یہ سب بھی مریں گے. ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون, پھر تم اپنے رب کے پاس قیامت کے دن آپس میں جھگڑو گے. کیا جھگڑو گے؟ حضور کہیں گے کہ میں نے تو یہ ان کو بتا دیا تھا سارا کچھ, اللہ جو تو نے بھیجا تھا میں نے پہنچا دیا تھا.
उनमें से हो सकता है कुछ खड़े होकर ये प्ली ले कि नहीं नहीं मुझ तक बात नहीं पहुंची थी। ये झगड़ा होगा फिर, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो भेजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जवाबदेही उनसे भी होगी। सूरह आराफ की आयत नंबर 6 बड़े अहम आयत में से है वो कुरान मजीद के, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, हम उनसे भी पूछेंगे जिनके तरफ रसूलों को भेजा, और उनसे भी पूछेंगे जिन्हें रसूल बनाकर भेजा। तुमने हमारा पैगाम पहुंचा दिया था, ये हमने पहुंचा दिया था। इसीलिए हुजूर ने गवाही ले ली थी जतुल विदा में, अला अल बल्लग, तो लोगों मैंने पहुंचा दिया कि नहीं। और पूरे मजमे ने कहा इन्ना नशद अन्नका कद बल्लगता व देता व नसाहता, हाँ हुजूर हम गवाह हैं, आपने हक तबलीग अदा कर दिया, हक खैरखाही अदा कर दिया, और आपने हक अमानत अदा कर दिया। फिर आपने अल्लाह से खिताब करते हुए आसमान से भी इशारा किया, उंगली से इशारा किया आसमान की तरफ, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू भी गवाह है, ये मान रहे हैं कि मैंने पहुंचा दिया। फिर आपने फरमाया फल युबल्लिगिश शाहिदुल गायबा, अब मैंने तो तुम्हें पहुंचा दिया है, तुम्हारा फर्ज है कि तुम पहुंचाओ उनको जो यहां मौजूद नहीं है। ये है सिलसिला जो शुरू किया है, ये गोया के जो मैंने कल बताया था रसूल और रसूलिल्लाह है, अब गोया के पूरी उम्मत जो है वो अल्लाह के रसूल की रसूल है। अल्लाह के रसूल ने बाकी पूरी नौ इंसानी के लिए अपनी उम्मत को ये काम सौंप दिया है कि जैसे मैंने तुम्हें पहुंचाया था तुम्हें पहुंचाना है पूरी नौ इंसानी को। तो पूरी उम्मत गोया के रसूल और रसूलिल्लाह है, अल्लाह के रसूल की रसूल, कि अल्लाह ने भेजा मोहम्मद को और मोहम्मद ने वो जिम्मेदारी उनके अपने कंधे से उनके कंधों पर मुंतकिल कर दी। ये है सूरत हाल, जिसको दो जगह कुरान में कहा गया, सूरह हज में भी हम पढ़ चुके, वजतबाकुम वमा जाला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज इला कौलिही तआला लियकून अर्रसूल शहीदन अलैकुम वतकूनू शुहदा अलन्नास, और उधर सूरह बकरा के अंदर कह दिया गया हिजरत के इधर हिजरत के उधर, ये दोनों सूरतें हिजरत से मुतसलन कबल हज और हिजरत के मुतसलन बाद अल बकरा, और उधर क्या आ गया वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास वयकून अर्रसूल अलैकुम शहीदा, सिर्फ तरतीब बदली है। फमन अज़लम मिम्मन कज़बा अलल्लाह वकज़बा बिस्सिद्क इज़्जा, उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे, झूठ कहे, उसे कोई वही ना आई हो और वो कहे कि मुझ पर वही आई है, वकज़बा बिस्सिद्क या और ये एन और ये दोनों जमा कीजिएगा वो बाद में बताऊंगा, वकज़बा बिस्सिद्क और झुटलाए सच्ची बात को जबकि उसके पास आ गई। ये दोनों एक शख्स के किरदार भी हो सकता है कि वह अल्लाह पर झूठ जो है जड़ रहा है और खुद जो है जो अल्लाह की तरफ से हक आया है उसकी नफी कर रहा है, तर्दीद कर रहा है। और ये दो अशख़ास भी हो सकते हैं कि एक तो वो सबसे बढ़कर जालिम है कि जिसको वही ना आई हो और वो कहे कि वही आई है, इसने कोई बात अपने जी से घड़कर अल्लाह की तरह मंसूब कर दी, तो ये कि उससे बढ़कर जालिम कोई नहीं हो सकता। तो इसी तरह उसी दर्जे का जालिम वो है कि जिसके पास अल्लाह का कलाम आ जाए, सिद्क आ जाए, सच्चाई आ जाए, उसको झुटला दे। अलैसफी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, तो क्या जहन्नम ही में ठिकाना नहीं है ऐसे काफिरों का। अब इसके बरक्स देखिए, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क व सद्दक बिही, यहां भी ये दोनों इहतमालात हैं, और वो शख्स जो लाया सच्चाई और वो शख्स के जिसने सच्चाई की तस्दीक की, ये भी एक ही शख्स भी हो सकता है कि किसी शख्स के किरदार में दोनों पहलू हैं, वो राष्ट्रबाज है, खुद भी उसका सारा मामला रास्ती पर है, और फिर यह कि जो रास्ती जो हक उसके सामने पेश किया जाए फौरन कबूल भी करता है, तस्दीक भी करता है। लेकिन यह कि आमतौर पर ख्याल यह है कि वल्लज़ी जा बिस्सिद्क से मुराद यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लाए हैं सच्चाई अल्लाह की जानिब से, और वह सद्दका बिही से मुराद हजरत अबू बकर हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्होंने उस सच्चाई की तस्दीक की है। वह जा बिस्सिद्क व सद्दका बिही उलाएका हुमुल मुत्तकून, यही लोग हैं जो कि मुत्तकी हैं। लहुम मा यशाउना इंदा रब्बिहिम, इनके लिए जो कुछ ये चाहेंगे इनके रब के पास वो उनको दे दिया जाएगा, फराहम कर दिया जाएगा। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, यही है नेकोकारों का बदला। लियुकफ़िरल्लाहु अन्हुम अस्वल्लज़ी अमलू वयजज़ीहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून, ताकि अल्लाह ताला उनके वो आमाल जो बुरे हैं वो तो उनसे दूर कर दे। यानी जाहिर बात है कि अंबिया तो खैर मासूम है, उनसे तो किसी गलत बात का जो है अगर कोई इम्कान पैदा होता भी है बिनाए बर बिनाए तबे बशरी, तो अल्लाह ताला महफूज कर लेता है और उसका सुदूर नहीं होने पाता। बाकी तो हर शख्स से खता हो सकती है, गलती हो सकती है।
तो अल्लाह ताला जो है उनके जो बुरे आमाल होंगे उन्हें तो दूर कर हटा देगा, नामा आमाल से धो देगा। कोई लंजिश है, किसी में कोई खता हो गई है, कोई ऐसी शय है कि जो उनके यहाँ नापसंदीदा है, उनके किरदार में है, अल्लाह उसे दूर कर देगा, धो देगा। वह यजज़ियहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून, और उनका जो जज़ा उनकी मुअय्यन करेगा वो उनके बेहतरीन आमाल के हिसाब से करेगा। जाहिर बात है हर नेकोकार के तमाम आमाल एक जैसे नहीं होते, नेकी के भी दर्जात हैं, ऊंचे दर्जे की नेकी, उससे कमतर दर्जे की नेकी, उससे कमतर दर्जे की नेकी। लेकिन अल्लाह जब उसकी जज़ा का मामला तय करेगा, मकाम और मर्तबा, तो उसके बुलंदतरीन जो आमाल है उसके हिसाब से अल्लाह ताला उसे जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। जो बुरे हैं उनको धो देगा, पाक कर देगा। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाएक हुमुल मुत्तकून लहुम मा यशाऊना इंद रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन लियुकफ़िरल्लाहु अन्हुम अस्वल्लज़ी अमलू व यज़ज़ियहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून। अलैसल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या अल्लाह काफी नहीं अपने बंदे के लिए, अपने बंदे की मदद के लिए, अपने बंदे की हिफाजत के लिए? ये सवालिया निशान है हकीकत में, ये उस पर जोर देने के लिए, अल्लाह काफी है। ऐ नबी आप और ऐ मुसलमानों तुम मुतमईन रहो, तुम्हारी हिफाजत, तुम्हारी मदद, उसके लिए अल्लाह काफी है। भाई खबिफून कबीन अमिंदू नहीं, और ये तुम्हें डराते हैं ऐ नबी, ये आपको भी डराते हैं उनसे कि जो इसके अलावा है, अल्लाह के अलावा हमारे माबूदों की कोई फिटकार पड़ेगी तुम पर, जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डराया था, सूरह अनाम के अंदर पढ़ाए हैं कि तुमने सारे माबूदों की नफी कर दी, अब जरा इंतजार करो अब तुम पर जो बीतेगी, उनकी फिटकार पड़ेगी तुम पर, उनकी तरफ से तुम पर पकड़ आएगी। उन्होंने कहा तुम मुझे किससे डराते हो, बदबख्तों डरना तुम्हें चाहिए, तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो, मुझे तो कोई डर नहीं है। इसी तरीके से कहा कि ये डरा रहे हैं नबी आपको, बिल्लज़ीन मिन दूनही, उनके बारे में उनसे डरा रहे हैं कि जो अल्लाह के सिवा इन्होंने माबूद बना रखे। वमन युद्लिल्लाहु फमा लहू मिन हाद, और जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे, जिसकी गुमराही के ऊपर मोहर लगा दे, फिर उसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं। वमन यहदिल्लाहु फमा लहू मिन मुदिल, और जिसको अल्लाह हिदायत दे दे फिर उसे गुमराह करने वाला कोई नहीं। अलैसल्लाहु बिअज़ीज़िन इंतकाम, तो क्या अल्लाह ताला जबरदस्त नहीं है इंतकाम लेने वाला? वला इन सअलतहुम मन खलक़ अस्समावाति वल-अर्ध लयक़ूलुन्न अल्लाह, और जब ये आप इनसे अगर पूछेंगे किसने पैदा किया आसमानों और जमीन को, वो कहेंगे अल्लाह ने। قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ تو اے نبی ان سے کہیے تو ذرا غور کرو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا ہو تو کیا وہ تمہارے معبود میری اس تکلیف کو دور کر سکیں گے؟ دیکھیں ظاہر بات ہے وہ بھی مانتے تھے کہ بڑا اللہ تو وہی ہے اللہ، یہ چھوٹے ہیں، تو بڑے کا حکم چلے گا کہ چھوٹے کا چلے گا؟ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو اپنی تکلیف کا، میرے لیے کسی ضرر کا، تو کیا یہ تمہارے معبود تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق جو بات ہے اس سے سوچو کہ کیا وہ اس کو اللہ کے فیصلے کے آڑے آ سکتے ہیں؟ اور ارادنی برحمت، اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رحمت کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے، حل ہن ممسکات رحمت ہی، کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ میری اس کی رحمت کو روک لیں؟ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے میرے لیے تو میرا رب کافی ہے، علیہ یا توکل المتوکلون، اسی پر توکل کرتے ہیں کرنے والے۔ میرے خلاف جو سازشیں کرنی ہیں کر لو، جو تدبیریں کرنی ہیں کر لو، جو قوت جمع کرنی ہے کر لو، انی عامل، میں بھی اپنی سی محنت کر رہا ہوں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام۔ من یاتی ہے عذاب یخزی ہے، کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے، وہ یحل علیہ عذاب المقیم، اور اس کے اوپر عذاب وہ نازل ہو جائے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ۔ فمن اہتدا فلنفسہ، تو جو کوئی ہدایت کے راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے۔ ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا سارا وبال اسی کے اوپر آئے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ کو ان کے ٹھیکے دار نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، مسئول نہیں ہے، آپ کے جو ہے ان کے آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، باس پرس نہیں ہوگی آپ سے، تو پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں، بس اس کے بعد آپ کا فرض ختم ہوا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا، اس آیت کو بھی پھر نوٹ کر لیجئے، قادیانیوں نے جو بھی فساد ذہنوں میں پیدا کیا ہوا ہے، یہ میں سورہ آل عمران سے لے کے مسلسل اس کو واضح کر رہا ہوں کہ یہ توفی جو ہے، توفا یا توفا،
باب تفاعل پورا پورا لے لینا, قبض کر لینا, قبضے میں لے لینا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جانوں کو اور شعور کو جبکہ اس کی موت کا وقت ہوتا ہے. والتی لم تمت فی منامہا, جن کے موت کا وقت نہیں ہے تو نیند میں قبض کر لے, نیند میں شعور چلا گیا, جان موجود ہے. موت جب ہوتی ہے شعور بھی گیا جان بھی گئی, جسم یہاں ہے. اور حضرت مسیح کو لیا گیا شعور بھی جان بھی جسم بھی, تو گویا کہ توفی جو ہے تمام و کمال جو ہوئی ہے وہ حضرت مسیح کی ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام. باقی یہ گویا کہ استعارت ہے توفی, نیند میں بھی ہمارا شعور چلا گیا, اور اصل شے تو شعور ہی ہے انسان کے, اگر جبن اگر شعور ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کے اندر, وہ اللہ نے اس وقت اس سے لے لیا ہے, چھین لیا ہے, اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا, قبض کر لیا ہے. تو گویا کہ یہ لفظ جو اطلاق ہو رہا ہے اس کا نیند پر بھی ہو رہا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ, تو جس کی موت کا اللہ فیصلہ کر چکا ہے اس کو اپنے پاس موقع رکھتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى, جس کے لیے صرف نیند کا فیصلہ تھا واپس بھیج دیتا ہے, جب وہ جاگتا ہے تو اس کا شعور واپس آ جاتا ہے, اور ایک وقت معین تک کے لیے اس کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں. ہم اتخذوا من دون اللہ شفعاء, کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی شفیع گھڑ لیے اپنے لیے, اختیار کر لیے جو ان کے سفارشی ہوں گے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا, ان سے کہیے کہ بھلا اگر انہیں کوئی اختیار ہی نہ ہو سرے سے, ولا یعقلون, اور انہیں کوئی نہ اس کی سمجھ ہو. قل للہ شفاعت جمیعا, کہہ دیجئے شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے, یعنی شفاعت اگر ہے بھی تو باذن رب ہے, اللہ کی اجازت سے. پھر یہ کہ اللہ شفاعت قبول کرے نہ کرے اس کا اختیار اس کا ہے, کسی کی دھوس نہیں ہے, کسی کا زور نہیں ہے کہ وہ اللہ سے اپنی بات منوا لے. لہو ملک السماوات والارض, آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے. ثم الیہ ترجعون, پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا توحید کے ساتھ, تو جو لوگ اللہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں, رکنے لگتے ہیں, انہیں اچھا نہیں لگتا, اللہ ہی اللہ کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح اگر کسی تقریر میں کسی واعظ میں ساری گفتگو جو ہو رہی ہو توحید کی ہو رہی ہو تو لوگ گھبرا جائیں گے کہ یہ کوئی اولیاء اللہ کی بات ہو, کوئی قصے کہانیاں ہو, کوئی کرامات ان کی بیان کی جائے, کوئی نبی کی شان بیان کی جائے, تو اس پر تو یہ کہ ان کے جو ہے دل کھلتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. لیکن یہ کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, جب اللہ کا ذکر کیا جائے تنہا اسی کا توحید کے ساتھ, تو ان لوگوں کے دل کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کچھ بیٹھنے سے لگتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس کے سوا ہے تب بہت خوش ہوتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہو اے اللہ تو جو کہ تمام آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے, عالم الغیب والشہادہ, تو جو کہ تمام غیب چھپی ہوئی چیزیں اور جو ظاہر اور سامنے کی چیزیں سب کا جاننے والا ہے, انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون, یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا, اور اگر ان کافروں اور ظالموں کے پاس جو بھی کچھ زمین میں ہے ساری دولت ہوتی, ومثلہ معہ, اتنی اور بھی ہوتی, لفتدو بہی من سوء العذاب یوم القیامہ, تو قیامت کے دن اس برے عذاب سے, عذاب کی برائی سے بچنے کے لیے وہ سارا فدیہ مل رہے تھے. یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ جان پر بنی ہو تو ایک گھونٹ پانی کے لیے انسان سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا, بادشاہ دے دے گا, وہ تو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے. پیاس سے آدمی مر رہا ہو تو ایک گھونٹ پانی کے لیے وہ کیا نہیں دے دے گا. تو قیامت کے دن بھی فرمایا کہ اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو اتنی ہی اور بھی ہو تو یہ سب دے کر چاہیں گے کسی طرح اس جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لیا جائے. ظاہر بات ہے یہ بھی بات کو واضح کرنے کے لیے, نہ وہاں کسی کے پاس دولت ہوگی نہ اس کا کوئی امکان ہے, لیکن سمجھانے کے لیے وہی چیزیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں انہی کو اسلوب کو اختیار کیا گیا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, اور اس روز ان کے سامنے آ جائے گی اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے ایسے ہی ڈرا رہے ہیں جیسے بچوں کو ہابو سے ڈراتے ہیں, ہوا ہے آ جائے گا, ایسے ہی یہ نبی جو ہیں یہ ذرا جہنم سے اور اس سے اور عذاب سے ڈرا رہے ہیں, حقیقت کچھ نہیں ہے. تو وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بات واقع ایسا ہی ہو جائے گا, لیکن اس روز ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا. پھر پوچھا جائے گا علیہ صحاذہ بالحق, قالوا بلا وربنا, کیا یہ حق نہیں ہے, کیا یہ سراب ہے, یہ جھوٹ موٹ کی چیز ہے, یہ واقعی ہے.
वहाका बहिम माकानू बही अस्तहज़ेऊन, और उन पर उनको घेरे में ले लेगी या उन पर उलट पड़ेगी वो तमाम चीज जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। फैजा मसल इंसान दुरून, जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंची दाना हमें पुकारता है, दुआएं करता है। सुम्मा इज़ा खव्वलनाहु नेमतम मिन्ना, जब हम उसे लपेट देते हैं अपनी नेमत में, काला इन्नमा उतीतुहु अला इल्म, तो वो कहता मैंने ये मुझे ये मिला है अपने इल्म की बुनियाद पर, मेरी जहानत फतानत मेरी समझ मेरी कारीगरी, मैंने बर वक्त अंदाजा कर लिया कि अब क्या हालात होने वाले हैं, किस चीज़ की डिमांड पैदा होने वाली है, मैंने उसकी फैक्ट्री लगा ली, तो देखो मेरे वारे दियारे, ये सारी मेरी सूझबूझ है। अलाइन बल ही फितनतुन, यही मजमून बड़ी वजाहत के साथ आ चुका सूरह कसस में, कारून का यही फलसफा था, ऊती तो अलाइमी, ये दौलत जो है ये मैंने अपनी जहानत और फतानत से कमाई है। बल ही फितनतुन, नहीं ये तो तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है। वलाकिन अक्सर हम ला यालमून, लेकिन इनकी अक्सरियत इल्म नहीं रखती। कद कालहा الذين من قبلهم, पहलों ने भी ऐसी बात कही थी, कारून की तरफ ही इशारा हो गया। फमा अगना अनहुम मा कानू यकसिबून, तो जो कुछ भी उन्होंने कमाई की थी वो उन्हें बचा नहीं सकी जब अल्लाह ने कारून को और उसके महल को धसा दिया उसके खजानों समेत जमीन के अंदर। फासाबहुम सैयात मा कसबू, फिर पड़ गई उन पर आ गई वही चीजें कि जो उन्होंने कमाई थी, अपनी बुराइयां जो कमाई थी। والذين ظلموا من هؤلاء, और इनमें से भी जो लोग इस जुल्म और कुफर और शिर्क के रविश इख्तियार करेंगे, सयुसीबहुम सय्यातुमा कसबू, तो उनके भी जो करतूतों की बुराई है वो इनके ऊपर वाकई होकर रहेगी। वमा हुम बिमोजिज़ीन, और वो शिकस्त नहीं दे सकेंगे, हरा नहीं सकेंगे, आजिज़ नहीं कर सकेंगे अल्लाह को। अवलम यालमु अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिरु, चाहे जानते नहीं कि अल्लाह ही है कि जो कुशादा कर देता है रिज़्क़ को जिसके लिए चाहता है और तंग कर देता है जिसके लिए चाहता है। बयक़दिर इन फीजा कल आयात कौमी यूमिनून, यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए कि जो मानने वाले हैं। कुल या इबादी अल्लज़ीन असरफू, इस सूरत में ये दो मरतबा आया है। कुल या इबादी अल्लज़ीन आमनू पहले आया था और अब आया है कुल या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसिहिम, ऐ नबी कहिए ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है। तुम्हारी अब तक की गफलत की जिंदगी, अगर तुमने ये जिंदगी गफलत में गुजार दी है, अब भी होश में आ जाओ जिन्होंने अब तक जुल्म किया है अपने ऊपर। और या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीअ, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देगा, लेकिन उसकी शर्त है तौबा करो उसकी जनाब में, आज तौबा करो खुलूस दिल के साथ, चाहे पूरी जिंदगी 70 बरस की है कितनी भी है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को साफ कर देगा खुलूस दिल के साथ तौबा। और तौबा की शर्त यह है कि हरामखोरी छोड़ो, गलत काम छोड़ो, मासियत को तर्क करो, इसके बगैर तौबा नहीं है। ये हम पढ़ चुके हैं सूरह अल फुरकान के आखिरी रुकू में, इल्ला मन ताबा व आमना व अमल अमलन सालिहन फौलाएक युबदिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरुर रहीम व मन ताबा व अमल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। अमल जब तक दुरुस्त नहीं होता तो तौबा क्या खाक हुई, तौबा वो है कि अमल दुरुस्त हो जाए। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, यकीनन वो गफूरुर रहीम है। वानीबू इला रब्बिकुम, और अपने रब की तरफ रुजू करो, वास्लिमू लहु, और उसके फरमा बरदार बन जाओ, अब भी बन जाओ, मिन कबल अन यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून, इससे पहले पहले कि तुम पर वो अज़ाब आए और मुसल्लत हो जाए और फिर तुम्हारी कहीं से कोई मदद नहीं की जा सकेगी। व तबिउ अहसना मा उनज़िला इलैकुम, इससे पहले भी आयत आ चुकी है ना, आयत नंबर 18 में था, फयत्तबिउन अहसना, ये कुरान भी जो तुम्हें रास्ता दिखा रहा है इसमें दर्जात हैं, ऊंचे हैं। अस्साबिकुन अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिएहसान, ये दर्जे थे कि नहीं थे, दर्जा शहादत है, दर्जा सिद्दीकियत है कि नहीं है, ये सूरह हदीद में जाकर मजबूत मजमून और खुलेगा। तो ऊंचे से ऊंचे दर्जे की तरफ चलने की कोशिश करो। वह तबेऊ आसन माउजिलाकुम रब्बिकुम, और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है उसमें से जो बेहतरीन दर्जे की शय है उसकी पैरवी करो। मिन कबल यातियकुम अज़ाब बख्ततन, इससे पहले पहले कि अज़ाब तुम पर अचानक आ धमके, व अंतुम ला तशुरून, और तुम्हें उसका गुमान तक ना हो। अन तकूल नफ्सुन, मबादा फिर उस वक्त कोई जान ये कहे या हसरत अला मा फर्रत फी जंबिल्लाह, हाय मेरी हसरत, हाय अफसोस मुझसे जो कोताही हुई अल्लाह की जनाब में, अल्लाह के हुकुम को तो मैंने पहचाना ही नहीं, अल्लाह का दीन मगलूब और मैं लगा हुआ दुनिया के धंधों में, अपने ज्यादा से ज्यादा कमाने में और ऐश और अपने स्टेटस, और वो स्टेटस सिंबल ही को माबूद बना रखा है, उसी में अपना पूरा तन मन धन लगा दिया है, जबकि अल्लाह का दीन मगलूब पड़ा हुआ है, और मैंने उसकी कोई मेहनत नहीं की, मैंने कोई कोशिश नहीं की,
या हसरता अंतकूल नफसून के कोई जान कहे उस दिन या हसरता हाय अफसोस अलामा फर्रतुफी जम्बिल्लाह, जो अल्लाह के जनाब में अल्लाह की जानिब मुझसे जो कोताही हुई मैंने कमी की। बहन कुंतला मिन सागरीन, और वो जो काफिर थे वो तो मैं तो रहा बहन कुंतला मिन साग, मैं तो मजाक ही समझता रहा, मैंने कभी संजीदगी से लिया ही नहीं बात को, आई नेवर टुक इट सीरियसली। और तकूल अदानी लकुन तो मिनल मुत्तकीन, या तुम कहो कि अगर अल्लाह ने हिदायत दी होती तो मैं भी हो जाता मुत्तकी। गोया कि यहां अपने उस चॉइस की नफी कर रहे हो, अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया और तुम्हें इख्तियार दिया था, इम्मा शाकिरम इम्मा कफूरा। और तकूल ही न तरल अजाब, या वो कहे जबकि वो अजाब को देखे लव अन्नली कर्रतन फाकून मिनल मोहसिनीन, अगर मुझे लौटना नसीब हो जाए किसी तरीके से, एक दफा अगर मुझे दोबारा लौटा दिया जाए फिर तो मैं मोहसिनीन में से हो जाऊंगा, फिर सिर्फ मुत्तकी नहीं, सिर्फ मुस्लिम नहीं, सिर्फ मोमिन नहीं, मोहसिनीन पे मैं शामिल हो जाऊंगा। बला क्यों नहीं, कद जात का आयाती, आई थी तेरे पास मेरी आयात, तकज़्ज़ब था बया, तूने उनको झुटला दिया था, बस तकबर था और तूने तकबर किया था, वकुंत मिनल काफिरीन, और तूने कुफर की रविश इख्तियार की थी। व यौम अल कियामत तरल लजीना कज़बू अलल्लाह वजूहुहुम मुस्वद्दा, और कयामत के दिन तुम देखोगे उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा था कि उनके चेहरे स्याह होंगे। अलैसा फी जहन्नम मस्वन लिल मुतकब्बिरीन, तो क्या जहन्नम ही में ठिकाना नहीं है ऐसे मुतकब्बिरीन का। व युनज्जी अल्लाहु लजीना तक़ौ बिमफाज़तिहिम, और अल्लाह ताला निजात देगा उनको जिन्होंने तकवा की रविश इख्तियार की थे, और पहुंचा देगा उनकी कामयाबी की जगहों पर, जो उनके मकामात हैं उन तक पहुंचा देगा। किसी का कोई मकाम है, किसी का कोई मकाम है, ये सिद्दीकियत का मकाम है, ये शुहदा का मकाम है, ये अंबिया का मकाम है। ला यमस्सुहुम सू, उन्हें नहीं छू सकेगी कोई भी तकलीफ कोई बुराई। वला हुम यहज़नून, और ना ही वो हुज़्न से दो चार होंगे। अल्लाह खालिकु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील, अल्लाह ताला हर शय का खालिक है और वो हर चीज का निगरान है और हर चीज का जिम्मेदार है। लहू मकालीदु समावात वल अर्द, उसके लिए है तमाम कुंजियां आसमानों की और जमीन की। वल्लज़ीना कफरू बिआयातिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून, और जिन लोगों ने अल्लाह की आयात का इनकार किया वही है तबाह होने वाले और घाटे में रहने वाले। ये आखिरी दो रुकू जो है सूरह मुबारका के, हमारे पास वक्त कम है लेकिन बहरहाल इससे जो भी मुलाइम है फायदा उठाना है। ये बहुत ही पुरजलाल अंदाज है कुरान मजीद में, लेकिन फिर वही तौहीद का मजमून आ रहा है, तौहीद फिल इबादत। कुल फगैरल्लाह तामुरूनी आबुदु अय्युहल जाहिलून, ये अंदाज जो है कुरान मजीद में कहीं और नहीं मिलेगा। ए नबी कह दीजिए ए जाहिलो, क्या तुम मुझे भी ये मशवरा दे रहे हो कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी करूं। वो दबाव जो था मुशरिकीन का दबाव था मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ तो कंप्रोमाइज कीजिए, कुछ तो ले दे के मामला कीजिए, कोई एक आध माबूद हमारा भी माने, बाकी आपको हम मान लेंगे, अब आपको बादशाह भी मान लेंगे, बाकी जो आप कहेंगे हम करेंगे, लेकिन यह कि कुछ तो आखिर हमारे साथ भी कुछ तो गिव एंड टेक होना चाहिए। वो अब उनका जवाब इस अंदाज में दीजिए, कुल फगैर अल्लाह तामुरूनी आमदु अय्युहल जाहिलून, मुझे भी तुम इस बात का मशवरा दे रहे हो, मुझे यह हुक्म दे रहे हो कि अल्लाह के सिवा किसी को पूजू। वलकद उहिया इलैका, और ए नबी आपकी तरफ तो वही की जा चुकी है। वइलल लजीना मिन कब्लिक, और आपसे पहले जो रसूल थे उनको भी यह वही कर दी गई थी। तवज्जो से सुनिए, लइन अशरकता, ए नबी अगर आप भी बिल फर्ज शिर्क करेंगे, लयहबतन अमलुक, आपके भी सारे अमाल हब्त हो जाएंगे। वला तकूनन मिनल खासिरीन, और आप भी निहायत खिसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। कानून खुदाबंदी वलन तजद लिसुन्नतिल्लाह तहवीला, असल में ये सख्ती सारी हुजूर की तरफ नहीं है, ये मुशरिकीन से खिताब उनसे नहीं बज़ाहिर हुजूर से, लेकिन बताया जा रहा है कि ये मामला ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा कानून है हमारा जो किसी के लिए भी नहीं बदलेगा, जो भी शिर्क करेगा उसके साथ हमारा कोई मामला नहीं। कसे बाशत वलकद उहिया इलैका व इलल लजीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन अमलुका वला तकूनन मिनल खासिरीन बलिल्लाह फाबुद, नहीं सिर्फ अल्लाह ही की आप बंदगी कीजिए। वकुम मिन अश्शाकिरीन, और बन जाइए उसके शुक्रगुजार बंदों में से। वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, और इन्होंने अल्लाह की कदर न की जैसे कि उसकी कदर का हक था, उसकी कुदरत का अंदाजा न कर पाए, उसकी कुव्वत का कुदरत का कैसे कर सकते। लेकिन यह कि एक बात ध्यान में आनी चाहिए, अगरचे हम अल्लाह की कुदरत को नाप तोल नहीं सकते, अब ना हम अल्लाह के इल्म को नाप तोल सकते कि कितना इल्म है,
इसलिए कि हमारी जो तराजू है वो तो सुनार की तराजू की तरह है, वो माशे तोले तो जो है वो तोल लेगी, लेकिन यह कि टनों को कैसे तोलेगी। तो हमारे जहन की तराजू जो है वो नहीं तोल सकती, अल्लाह की सिफात को भी नहीं हम जान सकते कि वो कितनी है कैसी है। लेकिन एक बात जान लीजिए, अला कुल शैइन कदीर, ये तो जान सकते हैं ना, हर शय पर कादिर है। लेकिन यह कि जिन लोगों का जहन इससे भी आजिज आ जाता है, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही वल अर्दु जमीअन कब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मतवियातुन बियमीनिह, उसका एक तुम्हें झलक दिखा रहे हैं उसकी कुदरत उसकी अजमत कि तुम्हारी ये पूरी की पूरी जमीन उसकी एक मुट्ठी में होगी क़ियामत के दिन, और ये आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। कोई अंदाजा कर सकते हो तो कर लो, हमें आसमानों का क्या पता है, हमें क्या गैलेक्सीज का क्या तसव्वुर है। चक्कर आता है जब पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी को, किताब पढ़िए, वाकई है कि मैं तो मेरा सर चकरा जाता है, लाइट ईयर्स का जो तसव्वुर आता है बिलियंस एंड बिलियंस, अब चलते जाइए वो तो खत्म होने वाली बात ही नहीं। हमारा तसव्वुर जो है वो वहां जाकर बिल्कुल जो है जवाब दे देता है, तखय्युल जो है कुव्वत तखय्युल वो थक हार कर रह जाती है। वल जमीअन कब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मतवियातुन बियमीनिही सुभानहु व तआला अम्मा युशरिकून, वो पाक है और बहुत बुलंदो बाला है उन तमाम चीजों से, उस तमाम शिर्क से जो ये कर रहे हैं। वनुफिका फिस्सूर, और सूर में फूका जाएगा, फसाएका मन फिस्समावाति व मन फिल अर्द, तो बेहोश हो जाएंगे जो भी है आसमानों में और जो भी है जमीन में, इल्ला मन शा अल्लाह, सिवाय उसके जिन्हें अल्लाह चाहेगा। यानी ये बेहोशी मालूम होता है कि फरिश्तों पर बिदारी होगी सिवाय कुछ फरिश्तों के, इस कदर वो दहशत वाला होगा। तो एक असल में तीन है ये नफखे जो है, पहला नफखा है जलजले वाला, वो है नफखा सात का, उसमें तो हलचल होगी तूफान होगा, सूरज और चांद टकराएंगे और ये पहाड़ चलेंगे रूई के गालों की तरह, वो है जो पहला है सा। फिर उसके बाद एक और होगा और उसके बाद सब के सब खत्म हो गए, सब पर एक मौत की नींद तारी हो जाएगी। وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر اس میں پھونک ماری جائے گی ایک مرتبہ اور، اور یہ تیسری مرتبہ، یہاں کے حساب سے دوسری مرتبہ، لیکن یہ کہ یہ نفخہ ثالثہ ہے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے۔ یہ نفخہ ہے باسِ بعد الموت کا، تیسرا نفخہ، اس لیے قیامت اس کو کہتے ہیں۔ اِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، یہ یوم القیامہ ہے، پہلے ساعة ہے، पहले वो घड़ी है कि जिससे एक मौत वारिद होगी सब पर तारी हो जाएगी, और ये क़यामा है जिसमें खड़े हो जाएंगे। सुम्मा नुफिख फीह उखरा फ़ैज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून वअशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, और पूरी जमीन जगमगा उठेगी अपने रब के नूर से। ववुज़िअल किताब, और आमाल नामा लाकर रख दिया जाएगा, इसका यही नक्शा खींचा जा चुका है सूरह कहफ में भी। ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ یہاں جو ہے نقشہ اس سے اگلے کا کھینچا جا رہا ہے، جب وہ کتاب یا اعمال نامہ لے آیا جائے گا، جی اب النبیین والشہداء، اور پھر لائے جائیں گے انبیاء اور شہید۔ یہاں شہید سے مراد کیا ہے؟ اولا رسول، اس لیے کہ وہ گواہی دیں گے۔ لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لیکن بجائے رسول کے یہاں شہید کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ نہ صرف رسول جو ہیں گواہی دیں گے، بس رسولوں کی طرف سے جو تبلیغ کرتے رہے وہ گواہی دیں گے۔ چنانچہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے ہیں، چھ عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابہ ہیں ٹاپ کے، تو گویا کہ انہیں تبلیغ کی ہے حضرت ابو بکر نے۔ یا حضور نے جن صحابہ کو بھیجا، جب لوگوں نے بلایا کہ آپ ہمارے ہاں بھیجیے اپنے کوئی شاگرد، اپنے کوئی وہ ایمان لانے والے کہ جو ہمیں قرآن پڑھائیں، تو اب کون تھے وہاں گئے؟ جو اصحاب صفہ میں سے آپ نے بھیج دیا، اب انہوں نے جا کر تبلیغ کی۔ تو یہ گویا کہ حضور کے آن بہاف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تبلیغ کر رہے ہیں، تو ان قبیلوں کو جنہیں انہوں نے تبلیغ کی گواہی دینے کے لیے وہ کھڑے ہوں گے کہ اللہ تیرے دین کا جو پیغام تیرے نبی محمد کے ذریعے سے، تیرے رسول محمد کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا تھا، ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا۔ اسی طریقے سے پوری امت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ گواہی دے کہ پوری نوع انسانی کو ہم نے، اے اللہ تیرے نبی کا جو دین ہمیں ملا تھا، جو ہمیں وراثتاً پہنچا تھا، وہ ہم نے پوری نوع انسانی تک پہنچایا تھا۔
और अगर हम ना दे सकें ये गवाही तो पूरी दुनिया की जलालत और गुमराही का बबाल हमारे गर्दन पर आएगा। हम गवाही दे दें, तबलीग का हक अदा कर दें, फिर वो रिस्पॉन्सिबल है। हम नहीं करते तो पहले हम मुजरिम हैं। वजीअ बिन्नबीयीन वश्शुहदा, और ले आए जाएंगे अंबिया और गवाह। वक़ुज़िया बैनहुम बिलहक़, और फिर उनके माबैन फैसला कर दिया जाएगा हक के साथ। वहुम ला युज़लमून, और किसी पर जुल्म नहीं होगा, किसी पर कोताही, किसी पर किसी की हमतरफी नहीं होगी। वफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, और पूरा पूरा दे दिया जाएगा हर जान को जो कुछ के उसने अमल किया था। वहु आलमु बिमा यफ़अलून, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ के ये फेल कर रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं। अब जो आखिरी सीन होगा कि ये जा रब्बक वल मलक सफ़न सफ़ा, ये ज़मीन चटियल कर दी जाएगी, ना पहाड़ रहेगा, खींच दिया जाएगा। वइज़ल अर्ज़ु मुद्दत, और यहीं पर जो है अल्लाह ताला का नुज़ूल होगा, और फिर यहीं पर फरिश्ते आएंगे और यहीं हिसाब किताब हो जाएगा। अब फैसले हो गए हैं, क्योंकि जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाएंगे और जन्नती जन्नत की तरफ ले जाए जाएंगे। वो नक्शा खींचा जा रहा है बड़े पुरजलाल अंदाज में। ये खास मकाम है कुरान मजीद का। वसीक़ الذين كفروا الى جهنم زمرا, और हाँक कर ले जाए जाएंगे काफिर जहन्नम की तरफ, ग्रोह दर ग्रोह, ग्रोह दर ग्रोह, एक उम्मत के बाद दूसरी उम्मत, दूसरी उम्मत के बाद तीसरी उम्मत, चले आ रहे हैं अपने अपने लीडर आगे आगे उनके चले आ रहे हैं। जैसे एक नक्शा खींच चुका है सूरह यूनुस में कि ये फिरौन जो है वो अपनी कौम के आगे आगे चलता हुआ आएगा और वो अपनी कौम को ले जाकर जहन्नम के घाट पर उतार दे, फौरदहुम अलन्नार, पहुंचा देगा जहन्नम के घाट पर। वसीक الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها, यहां तक कि जब वो वहां पहुंच जाएंगे जहन्नम पर, फिर उसके दरवाजे खोले जाएंगे। इजा जाऊहा फतहत अबवाबुहा, जैसे जेल का मामला होता है कि उसके दरवाजे खुले नहीं होते, बंद होते हैं। अलबत्त जब कैदी आते हैं दाखिल होने के लिए फिर दरवाजे खुलते हैं। वकाल लहुम खज़नतुहा, उस जहन्नम के जो दारोगा होंगे, जो वहां पर फरिश्ते मामूर होंगे, वो कहेंगे उनसे अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे? यतलूना अलैकुम आयात रब्बिकुम, तिलावत करते थे तुम पर और सुनाते थे तुम्हें तुम्हारे रब की आयात। وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہاری آج کے دن کی اس ملاقات سے۔ قَالُوا بَلَى, وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے۔ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ, لیکن یہ کہ یہ کافروں پر تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو کر رہا, یعنی انہوں نے انکار کیا, رد کیا, انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا, انہوں نے کفر پر اڑے رہنے کا حق ادا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ مستحق ہو چکے ہیں عذاب کے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, کہہ دیا جائے گا ان سے اچھا داخل ہو جاؤ اب ان جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین, تو بہت برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا۔ دنیا میں تم بڑی اکڑ خوریاں کرتے رہے, اب جو ہے یہاں پر تمہارے لیے یہ انجام ہے۔ اس کے برعکس وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا, اور جو لوگ کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رہے تھے دنیا میں, انہیں لے جایا جائے گا گروہ در گروہ, جماعت در جماعت, جنت کی طرف۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها, یہاں یہ واو جو ہے یہ بہت معنی خیز ہے, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے, پہلے ہی سے کھلے ہوں گے۔ یہ مفتحت لهم جو ابواب آ چکا ہے اس سے پہلے, اس کو یہاں پر بھی نوٹ کر لیجئے, وفتحت ابوابها۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ, اور کہیں گے ان سے جو جنت کے جو داروغہ ہیں اور جنت کے جو فرشتے ہیں, وہ کہیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, آپ پر سلام ہو, طِبْتُمْ, آپ لوگ کتنے پاک باز لوگ ہیں, کتنے پاکیزہ ہیں۔ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ, اب آئیے اور داخل ہو جائیے اس جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ, اب وہ حمد کا ترانہ جو ہے ان کی زبانوں پر آ جائے گا جنت میں داخل ہونے والوں کی۔ وہ کہیں گے کہ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وأورثنا الأرض, اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا۔ نتبوأ من الجنة حيث نشاء, کہ جہاں چاہیں آپ قرار اختیار کر لیں, جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں, ہم کھلے جو ہے یہ جنت ہمارے لیے کھول دی گئی ہے۔ نتبوأ من الجنة حيث نشاء, جہاں چاہیں اس جنت کے اندر بہشت میں گھر بنا لیں۔ فنعم اجر العاملین, تو بہت ہی اچھا ہوگا اجر عمل کرنے والوں کا۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا, اب یہ یوں سمجھیے ڈراپ سین ہے اس, وہ جو میدان حشر کی عدالت کا جو ہوگا۔ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم,
और तुम देखोगे फरिश्तों को कि वो घेरे हुए होंगे अल्लाह के अपने रब के अर्श को और उसकी तस्बीह बयान कर रहे होंगे हम्द के साथ। यानी इंसानी जो भी अदालत लगनी थी लग चुकी इंसानों के लिए, फैसले हो गए, जन्नती जन्नत की तरफ भेज दिए गए और दोज़खी जो हैं दोज़ख की तरफ धक्के दे देकर पहुंचा दिए गए। अब ये वतर الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق, उनके माबैन भी हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा। अब बैनहुम में बाल लोगों ने तो मुराद इंसान ही लिया है, जैसे कि ऊपर आ चुका है وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون, ये जो पहला रुकू था इससे सातवां उसके अंदर आ चुका है। लेकिन एक राय यह भी है और इसीलिए मैंने आपको उस वक्त नोट कराया था कि मलाइका और मलाए आला के अंदर भी बाज़ोकात इख्तिलाफ होता है कि ये मसलन ये कि अल्लाह ताला के अहकाम की हिकमतों के बारे में इख्तिलाफ हो कि अल्लाह ने ये जो हुक्म दिया इसकी हिकमत ये मालूम होती है या इसकी ये हिकमत मालूम होती है, तो जाहिर बात है उनके भी दर्जात हैं। तो उस रोज़ जो है मलाइका के माबैन भी जो भी इख्तिलाफात होंगे उनका भी फैसला कर दिया जाएगा। वक़ुज़िया बैनहुम बिलहक वकील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और आखिर में फिर वो जय जो है वो बुलंद की जाएगी अल्लाह की, हम्द है कुल की कुल अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है।